नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी दौर है, ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशियों का नामांकन और जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के मुद्दे बता रहे हैं, साथ ही जनता के हित और विधानसभा के विकास की बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ प्राइम चर्चा में हरदोई की 161 संडीला विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार अब्दुल मन्नान जुड़ेंगे और बताएंगे क्या है चुनावी मुद्दे, कैसा है विधानसभा का हाल और कौन कौन सी समस्याएं हैं इस वक्त उनकी विधानसभा में, और जीतने के बाद किस किस क्षेत्र में विकास करेंगे। इन्हीं सब चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएसपी प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल मन्नान जी। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल जी आपका हमारी सरप्राइम चर्चा में। जिस तरह से चुनावी माहौल है और बीएसपी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? आज मैं विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की कमान आम जनता ने संभालने का काम किया है जी। आम जनता जो है सर समाज के हर बिरादरी, हर जात, हर मजहब के लोगों ने विधानसभा क्षेत्र संडीला और जनपद हरदोई में जो है जी, मैं देख रहा हूँ कि जनता ने अपनी कमान संभाल ली है जी, और जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से बहुजन समाज पार्टी ने जो है सर समाज की बात की जी, सर समाज को सम्मान देने का काम किया जी, और सर समाज आपके साथ, चाहे वो हमारी सरकार बहन मायावती जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन जी की सरकार ने जो है वो 7 से 12 हो, चाहे 2000 हो या इससे पहले की जो सरकारें रही हैं जी, बहन मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को आपके निष्पक्ष प्रशासन देने का काम किया, और आवाम, गरीब, सर समाज, मजदूर सबका जो है वो आपके क्षेत्र में जो है वो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ और सबको सम्मान मिला। जहां तक 7 से 12 की बीजेपी सरकार रही है, इस बीजेपी सरकार में चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे आपके पेट्रोल हो, और चाहे रसोई गैस हो, चाहे पेप्सिसाइड हो आपके किसानों, मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ, किसानों में जो है आपके किसानों की बात करना चाहता हूँ, यानी आज स्थिति ये है कि आपके किसान में जो खाद पहले जो 500 रुपए की मिला करती थी डीएपी, या आपके आज तिगुने पैसे पे जो है वो डीएपी मिल रही है, किसान की लागत जो है वो आपके तिगुनी बढ़ चुकी है, और लेकिन किसान की आमदनी वो है। आज अन्ना जानवर जो है किसानों की जो है वो आपके फसल चट कर आपके जा रहे हैं, और किसान जो है इतनी सर्दी में जो है वो शाम को 7 बजे जाता है, वो अपनी मचान लगा के वहां चद्दर ओढ़ के रात भर बैठा रहता है, अपनी फसल को बचाने का काम कर रहा है, उसके बाद भी उसकी फसल चल जा रही है। सरकार ने गौशाला खोले हैं, लेकिन गौशालाओं में जो है आपके गौ हत्या हो रही है, वहां पर आपके भूख से चारा नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है आपके, उसमें हजारों जो है वो आपके गाय जो है वो मर चुकी है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कोरोना काल के जो आपने देखा हो, कोरोना काल के में जो है वो आपके जो कोई व्यवस्था नहीं थी, हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है बिना ऑक्सीजन के मर गए जी। बिना ऑक्सीजन के जो है मर गए आपके, और गंगा में लाशें तैर रही थी, गंगा के किनारे जो है वो कब्रिस्तान बनाने का काम किया, और जेसीबी से एक एक गड्ढे में जो है वो दो दो तीन तीन लाशें जो है आपके गाड़ी जा रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि विफल सरकार है, आपके विफल सरकार है, इनको एक भी दिन जो है वो सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, और मेरा पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की, बहुजन हमारे क्षेत्र में भी और पूरे हरदोई में और पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी पर विश्वास करने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करने का काम किया है, और एकजुट होकर, एकमुश्त होकर हर समाज के लोगों ने, लोग आपके विश्वास कर रहे हैं, और आपके 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के रिजल्ट आएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और बहन मायावती जी की सरकार, आप बहन जी जो है वो आपके नेतृत्व करेंगी, बहन जी जो आपके यहाँ की मुख्यमंत्री होंगी।
चला अपना। अब्दुल जी, सरकार की कमियां तो गिना दी, विफल बता दिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को सपा टक्कर दे रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमने ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ देख रहे हैं, चाहे मैं हरदोई देख रहा हूँ, मैं विशेष तौर पर यहाँ देख, मैं हरदोई देख रहा हूँ, हरदोई में भी जो है जहाँ भी टक्कर हो रही है, जहाँ भी टक्कर हो रही है, बीजेपी नंबर 3 पे जा रही है, वो जो भी टक्कर हो रही है आपके, वो बसपा आगे चल रही है, बसपा के जो प्रत्याशी हैं, वो चाहे 8ों विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है वो जोर शोर से लगे हुए हैं, और बहुजन समाज प्रत्याशी जितने लोग हैं वो आवाम से जुड़े हुए लोग हैं, मुकामी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, और वो आम से जुड़े लोग हैं आपके, वो लोग, उनकी कमाल जनता ने संभाल रखी है, और मेरा पूरा विश्वास है कि 23 तारीख को जो है एकजुट होकर, एकमुश्त होकर लोग आपके वोट देने का काम करेंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। अब्दुल जी, जिस तरह से आगरा में इस वक्त मायावती मौजूद हैं, उन्होंने भी किसानों की बात कही कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसानों के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ या फिर जिन भी परिस्थितियों से वो जूझ रहे हैं तो उसमें सुधार किया जाएगा, तो क्या इस बार किसानों का मुद्दा लेके चल रही BSP? नहीं, बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ हमेशा से थी, बहुजन समाज पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, हमेशा, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, बहुजन समाज पार्टी में जो है वो आपने देखा होगा, जितना गन्ने का भुगतान हो रहा था बहुजन समाज पार्टी में, सबसे अच्छा भुगतान गन्ने का भुगतान बहुजन समाज पार्टी में हुआ जी। और जो गन्ने का रेट था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, बहन जी ने ही आपके रेट बढ़ाए थे सबसे ज्यादा जी। तो आपके जो बहन जी ने बोला है आपके, वो ठीक, आप बहन जी ने जो बोला है आपके, उस पर मैं समझता हूँ कि बहन जी जो है सरकार बनाने के बाद किसानों के हितों की रक्षा करने का काम करेंगी जी। अब्दुल जी, अगर बात करें आपकी विधानसभा की, तो इस वक्त कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिल रही है जो कि आप जीतने के बाद उनका निवारण करेंगे? बहुजन समाज, या मैं अपने विधानसभा संजीले के अंदर आपके सबसे बड़ा यह आपकी ये ओवर ब्रिज है हमारे संदिले में आने के लिए, बेज में रेलवे लाइन है आपके, सबसे ज्यादा आपके यहाँ शहर की समस्या है और ग्रामीण की भी समस्या है कि ओवर ब्रिज यहाँ नहीं है, जिससे घंटों लोग जो है वो जाम में फंसे रहते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है जी, इसका और जहाँ तक ये तमाम अन्ना जानवर है वो भी बहुत बड़ी समस्या है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है, तमाम रोडें जो हमारे जमाने में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनी थी उनकी रिपेयरिंग तक नहीं हुई, उनका हम लोग निदान करने की कोशिश करेंगे, बहुत सी प्रोजेक्ट जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पॉलिटेक्निक बनाया गया था वो अब तक नहीं आपके स्टार्ट हो पाया है, तो ये तमाम मुद्दे हैं ऐसे जो आपके, इन पर हम इनका निराकरण करने का काम करेंगे जी। अब्दुल जी, जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का भी काफी महत्व होता है, तो आपकी विधानसभा में कैसा देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल? मैं बताना चाहूंगा आपको जी कि 7 से 12 में यहाँ जो PSC, मैंने 4 PSCs यहाँ नई खुलवाने का काम किया जी, एक ये ढिकुन्नी थी, 4 PSC मैंने नई, जो PSCs मैंने खुलवाने का काम किया, जो किसी थी उनको अपग्रेड करके CSC बनाने का काम किया, वो चाहे भरावन हो और चाहे बेंदर हो चाहे भरावन हो, और जो संजीला जो CSC थी उसको ट्रामा सेंटर मैंने बनाने का काम किया जी। और 4 PSC नहीं मैंने बनवाने, स्वास्थ्य सेवाओं में मैंने बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया जो आज भी लोग याद करते हैं जी। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और क्या कुछ अपने विकास के क्षेत्र में काम किया है जो कि आज तक याद करा जाता है जनता द्वारा? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसे मैंने आपको बताया, यहाँ बिजली के क्षेत्र में, यहाँ बिजली के क्षेत्र में बहुत गड़बड़ था, मैंने 5 बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही जो है यहाँ 5 33 के पावर स्टेशन बनाने आपके बने जी। मैंने ही बनवाए आपके, उसी 7 से 12 की सरकार में बने, चाहे वो मलियाबाग का हो, चाहे मलियाबाग का 33 हो, चाहे मलेरा का 33 हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में 33 हो, एक वो चाहे सरवा का 33 हो, चाहे आपके 33 शीतला मंदिर का हो, ये सारे 33 जो है आपके, 5 33 जो है आपके बिजली घर जो है जी। वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बने, और संदीले में जो बहुत स्थिति थी वोल्टेज की, बहुत खराब स्थिति वोल्टेज की, यहाँ पर लगभग उसी जमाने में जो है वो
सारे ट्रांसफार्मर जो आपके उनको अपग्रेड कराया और 42 नए ट्रांसफार्मर जो है वो आपके अपग्रेड और नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। 28 किलोमीटर जो है उस जमाने में हमने ये केबल डलवाने का काम किया था। जितने हमारे आउटस्कर्ट्स में जो नई आबादियां थी जी। तो अब जो है नगर पालिका में आई है उनमें मैंने बिजली के खंभे मरकरीज जो है वो आपके विधायक निधि से मैंने देने का काम किया था। जहां तक आपके पेयजल समस्या हो, संदिले में सबसे बड़ी पेयजल समस्या थी, 7 से 12 मैंने पेयजल समस्या का समाधान करने का काम किया। यहाँ पर 2 और हट टंकिया और 8 नए ट्यूबवेल मैंने लगाने का काम किया जी। यहाँ पर 49.5 किलोमीटर जो है पाइपलाइन यहाँ पर डलवाने का काम किया। आज संदीले के कस्बे की जनता जो है वो आपके पेयजल जो समस्या थी, यहाँ पर जो पानी की समस्या थी वो उसका पूरा मैंने आपके 12 तक पूरा निदान करने का काम यानी कि आपने एक अच्छा विकास कार्य किया है जिसको आज भी जनता याद करती है। अगर बात करें बीएसपी के कार्यकाल की और आज के कार्यकाल की तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या बोलेंगे? कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, बड़ी दयनीय स्थिति है। लोगों को फर्जी जो है मुकदमों में फंसा के जो है वो आपके जेल भेजा जाता है। यहाँ पर स्थिति ये है कि लाइन ऑर्डर जो है वो बहुत खराब स्थिति में था। वो ऐसा लाइन ऑर्डर है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ था, वो ऐसा लाइन ऑर्डर था जो आपके क्रिएट किया जाता था। वो लाइन ऑर्डर जो है वो आपके जनता को परेशान करने पे आपके क्रिएट किया जाता था जी। और जब बीएसपी की सरकार थी तो ऐसा माना जाता था कि मायावती बहुत ही सख्त और बहुत तेज निर्णय लेती थी, और जिस तरह से बात करें महिला सुरक्षा की तो क्या कहेंगे, उस वक्त में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी या जिस तरह से आज की सरकार में दावा किया जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ कि बहन जी की सरकारों में, चाहे वो 7 से 12 की सरकार रही हो, चाहे 2002 की सरकार रही हो या इससे पहले की सरकार बहन जी की रही हो जी, आपके आवाम को, महिलाओं को, महिला जो है आपकी सुरक्षित थी। अगर वो थाने में या तहसील या आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो जब आपके जाता था, थाने में जाता था या और आपके तहसील में जाता था या और आपके जाता था, तो वहां पर आवाम को जो है वो आप की बात सुनी जाती थी और उसका सम्मान भी हुआ करता था जी। तो बीएसपी से आप जुड़े हुए हैं, आखिर कौन सी ऐसी नीति आपको पसंद आई है बीएसपी की जिसकी वजह से आपने बीएसपी को चुना है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जी अम्बेडकर ग्राम योजना के माध्यम से हमने सड़कों का पूरा विकास किया, करने का काम किया है जी। सड़क आपके जिस हर गांव को हमने सड़क देने का काम किया है, आपके सीमेंट रोड हमने गाँव के अंदर देने का काम किया है, हमने वृद्ध व्यवस्था, निराश्रित विधवा पेंशन, आवास, शौचालय, समुचित विकास आपके ग्रामीण क्षेत्र का करने का काम किया। जो शहरी क्षेत्र था उसमें भी हमने सड़कों के माध्यम से पूरे संदीले में, संदीला जो बाईपास है जी, संदीले के जितने बाईपास है ये हमारी सरकार 12 के ही बनवाए हुए आपके वो हैं। आज वो ध्वस्त हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं करवा पाई सरकार जी। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है जनता का, आपकी रिपेयरिंग नहीं करवा पाई, जो हमने चाहे वो शहर हो और चाहे देहात हो, उन सड़कों की रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई है। आज सड़कों पे गड्ढे हैं, आवाम को जो है चलने में, लेकिन अब्दुल जी सरकार तो कहती है हमने गड्ढा मुक्त कर दिए सड़कें। ये देखिए, बिल्कुल जमीन पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों पे होगा, जमीन पे कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। अब्दुल जी, जिस तरह से जनता का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि जो उनका जनप्रतिनिधि हो, जो विधायक हो, उनके बीच का हो और उनके सुख दुख में खड़ा रहे, सिर्फ चुनाव के वक्त वोट मांगने ना आए बल्कि विकास काम भी करे, तो ऐसे में क्या आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? मैं संदीले का रहने वाला हूँ, संदीले में मेरा घर है, समझे नहीं आप? मैं आपके पिछला चुनाव हमें हार गया था, जिले में जो है वो 3 दिन दिया करता था जी। सीधे संदीला जो है वो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सीधे हमसे जुड़े हुए हैं।
जो हमारे विपक्षी हैं जी, जो हमारे आपके जो लोग हैं वो भी कहते हैं सब आपके, जो हमारा विपक्ष जो हमको वोट आपके नहीं भी दिए हैं, लेकिन मेरे बारे में ये नहीं कह सकते कि आपके वो मिलते नहीं है। मैं रोज मिलता हूँ, आवाम से जुड़ा हुआ हूँ, सीधे मिलता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं रखता हूँ, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं शासन प्रशासन तक भी अपनी बात रखता हूँ। ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए हमारी विधानसभा की जनता ने जो है वो आपके बीड़ा उठा लिया है जी। और तय कर लिया है कि आपके आगामी आने वाले दिनों में जो है विधायक बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाएंगे जी। अब्दुल जी, जनता को आप क्या बताना चाहेंगे, अगर आप जीत के आते हैं तो किन किन क्षेत्रों में विकास कार्य करेंगे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे और साथ ही क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? हाँ, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में आपके जो इधर आपके सरकारों में जो चीजें जो आपके जो चीजें से मैंने PSCs बनवाई थी जी, जो मैंने आपकी सड़कें बनवाई थी, सबसे पहले तो मेरे साल दो साल उसी में जाएंगे जो मैंने उस जमाने में जिसे पॉलिटेक्निक अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया जी। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता की वो पॉलिटेक्निक स्टार्ट हो जाए। मेरा ये मैंने स्टेडियम के लिए पैसा उस जमाने में कराया था, वो पैसा लौट गया और स्टेडियम की जमीन पर सुरक्षित करा के पैसा भी दिलवाया था जी। फिर मैं स्टेडियम बनाने लड़कों के लिए स्टेडियम बनाने के लिए वो प्राथमिकता होगी मेरी। मेरी सड़क जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके जो सड़कें हैं जो ध्वस्त हो चुकी हैं उनको मैं आपके सबसे पहले मेरे साल दो साल तो उसके जो है जितने इनके आपके वो हमारे जमाने के काम कराए हुए हैं जी, वो उनको आपके इन्होंने जो खराब कर दिया है उनको सुधारने में मुझे आपके लग जाएंगे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। आज की हमारी सब प्राइम चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे BSP प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल मन्नान जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है BSP की जब सरकार थी, तो क्या कुछ उनकी योजनाएं रही थी, क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य किया और चुनाव जीतने के बाद वो क्या कुछ कार्य करेंगे। लगातार समस्याएं देखने को मिलती है, हर विधानसभा में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं और वैसे ही संडीला की इस विधानसभा में भी कुछ समस्याएं हैं जिनका निवारण करने के लिए कई प्रत्याशी उतर रहे हैं। हमारे साथ BSP प्रत्याशी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि कई समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा, जब जीत कराएंगे तो विकास कार्य करेंगे। फिलहाल इस प्राइम चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।